चाहे वो दबे कुचले पिछड़ा वर्ग का हर एक व्यक्ति को यह आवाज उठानी होगी और धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना होगा, अरे मैंने तो कल रात को देखा कि उन्होंने रावण से फोन पे बात की है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी रावण से फोन पे बात हुई तो नंबर हमें भी दे दो। और नंबर तो, अरे नंबर मत दो, तुम तो ये बता दो उसकी सोने की लंका कहाँ है। उसकी सोने की चिंता मत करो, आप तो पता बता दो, बाद में की हम सब देख लेंगे। और मैंने तो सुना है धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, कौन सा कहते हैं हम तो बोल ही नहीं पाते, पटरी के बंधे है ना, ऐसे नक नक आदि जो भी बोलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी, कौन सी भागवत में लिखा है, कहां लिखा है ये बताइए तो हमें आप। अरे माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम केवल सनातन धर्म के सामने झुक रहे हैं, हम केवल भगवा के सामने झुक रहे हैं, पाखंड के सामने झुकने वालों में से नहीं है। और एक बात और बताइए, एक बात और आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, आज की जो ताकत है, आज की जो एकता है, वो हम सभी लोगों को सदैव बरकरार रखनी होगी। और जरूरत आन पड़ी तो याद रखिएगा, अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे और राजेश पाठक, अरुण मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अरुण मिश्रा और राजेश पाठक को अगर फांसी भी साकेत दोहत, और सबसे बड़ी बात अगर इन लोगों को अगर फांसी पे नहीं लटकाया गया तो हम बहुत ही जल्दी अनशन भूख हड़ताल पर भी बैठने का काम करेंगे, दूध दिलाने का, चटी का दूध याद दिलाने का काम करेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरज की धीरज, अरे चिंता मत। होटल सागर इन की नई सौगात रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ सभी स्वादिष्ट व्यंजन, वो भी एक ही छत के नीचे, अब आपके सागर में, तो जरूर पधारें हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर।